शिवसेना के राज्यसभा सांसद और वर्ली सीट से उम्मीदवार मिलिंद देवड़ा ने दावा किया है कि महाराष्ट्र में महायुति की सरकार बनने जा रही है। इस इलेक्शन में बहुत ही एक सकारात्मक कैंपेन, वर्ली से लेकर महाराष्ट्र तक हमने एक बहुत ही पॉजिटिव कैंपेन जनता के सामने पेश किया। जनता की क्या समस्याएं थी वो भी हमें समझने को एक अवसर मिला। और मैं हमेशा खुश रहता हूं जब हम एक कंस्ट्रक्टिव कैंपेन चलाते। ये नकारात्मक राजनीति में कभी मैंने विश्वास नहीं किया। मुझे यकीन है कि महाराष्ट्र की जनता और एक बार महायुति को एक हैट्रिक देंगे, थर्ड टर्म देंगे, ताकि महायुति सरकार उनकी अधिक सेवा कर सके। कितनी सीटें आप उम्मीद करते हैं, खासतौर पर महायुति की भी और आपके पार्टी की? आपकी पार्टी करीबन 84 सीटों पर लड़ी थी। मैं कभी भी, मेरे आप राजनीतिक हिस्ट्री को आप देख लीजिएगा, मैं इस इश्यू को लेकर बहुत ही कंसिस्टेंट हूँ। इसमें बिल्कुल इनकंसिस्टेंट नहीं हूँ कि मैं कभी भी नंबर्स पे प्रेडिक्शन नहीं करता हूँ। लेकिन बहुमत मिलेगा पूरी तरह? बहुमत मिलेगा, इस बात पर मैं कॉन्फिडेंट हूँ। जोड़ तोड़ की नौबत नहीं आई? नहीं नहीं, एक क्लियर इंडिपेंडेंटली या छोटी छोटी पार्टियां, क्लियर बहुमत, स्पष्ट रूप से महाराष्ट्र की जनता महायुति सरकार को एक बहुमत दे रही है, इस बात पर मुझे कोई संदेह नहीं है। लेकिन मैं नंबर्स के आधार पर, ये चैनल्स को पे मैं छोड़ता हूँ, ये आपके एग्जिट पोलस्टर्स पे मैं छोड़ता हूँ, इन चीजों में मैं नहीं पढ़ता हूँ। हमारे दो सहयोगी दिनेश मौर्य और साकेत राय इस खबर पर जुड़ गए हैं। देखिए, ये बात सही है कि एग्जिट पोल की कोई भी गारंटी नहीं लेता, लेकिन ये कम से कम एक अनुमान तो जताते ही हैं कि आने वाले समय में किसकी सरकार बन सकती है। और जो माहौल रहा है दिनेश, उस माहौल को देखते हुए दोनों ही दलों ने बहुत ज़बरदस्त, दोनों ही गठबंधन ने बहुत ज़बरदस्त कैंपेनिंग की है। अगर वोटिंग परसेंटेज के बढ़ने का इशारा हम समझें तो क्या ये एक पॉजिटिव साइन है महायुति के लिए? जी बिल्कुल, देखिए देवेंद्र फडणवीस ने जो अनुमान लगाया है कि ये जो बढ़ा हुआ वोटिंग परसेंटेज है करीब 4% का, वो उनके फेवर में आ सकता है। इसके पीछे बड़ी वजह ये है कि मुंबई में अगर मैं बात करूं तो यहाँ पर जो मुस्लिम डोमिनेटेड इलाके हैं, फिर चाहे वो अनुशक्ति नगर हो, मानखुर्द हो या फिर वडाला हो, यहाँ पर वोटिंग परसेंटेज गिरा है। इसके दूसरे तरफ अगर हम देखें जो हिंदू बहुल इलाके हैं वहाँ पर वोटिंग परसेंटेज जो है वो काफ़ी ज़्यादा बढ़ा है। खास तौर पर जो हाई राइज इमारतें, सोसाइटीज़ है जहाँ के मतदाता आम तौर पर मतदान को लेकर उतना उत्साहित नहीं होते, वहाँ पर करीब जो है मतदान का जो प्रतिशत वो पहले के मुकाबले कई गुना ज़्यादा बढ़ा है। तो जो एक प्रयास किया जा रहा था हिंदू संगठनों की तरफ से, भारतीय जनता पार्टी की तरफ से, कि मतदान प्रतिशत को बढ़ाया जाए, उसमें कहीं ना कहीं ज़मीन पर जो काम किया गया है उसका असर होता हुआ नज़र आ रहा है। लेकिन ये 23 तारीख को एग्जैक्टली पता चल पाएगा कि किसको फ़ायदा हुआ है, किसको नुकसान हुआ है। लेकिन वोटिंग परसेंटेज बढ़ने से भारतीय जनता पार्टी या बिल्कुल दिनेश, मैं एक बार रीजन वाइज भी थोड़ा और जान लेती हूँ। साकेत, जरा दर्शकों को बताएं, रीजन वाइज विदर्भ, उत्तरी महाराष्ट्र या मुंबई रीजन की बात करें, क्या ऑल टुगेदर वोटिंग परसेंटेज बढ़ा है या किस रीजन वाइज का भी ये आंकड़ा अभी तक जारी किया गया है इलेक्शन कमीशन की ओर से? बिल्कुल मीनाक्षी, देखिए अगर इस पूरे महाराष्ट्र की पृष्ठभूमि की आप बात करें तो केवल कुछ इलाके ऐसे हैं जहां पर वोटिंग परसेंटेज घटे हैं। अब अगर अलग अलग रीजन की बात करें तो महाराष्ट्र कुल मिलाकर 6 अलग अलग हिस्सों में बटा हुआ है, जिसमें खानदेश का इलाका यानी कि उत्तर महाराष्ट्र, दक्षिण महाराष्ट्र, विदर्भ और इसके अलावा मुंबई, थाने और जो इलाके हैं ये सभी शामिल हैं। विदर्भ की तरफ की बात करें तो यहाँ कुल मिलाकर 62 विधानसभा सीटें आती हैं। इन सीटों पर लगभग सभी सीटों पर अगर आप देखें तो काफ़ी बड़ी संख्या में वोटिंग हुई है। और दिलचस्प बात इस बार ये रही कि गढ़चिरौली के इलाके की अगर आप बात करें, ये नक्सलाइट एरियो में आता है और इन इलाकों में सबसे ज़्यादा वोटिंग देखने को मिली। वहीं अगर मुंबई और थाने रीजन की आप बात करें तो मुंबई की 36 विधानसभा सीटें हैं और इन 36 विधानसभा सीटों में केवल महज 2 या 3 जगह ऐसी हैं जहां पर वोटिंग परसेंटेज साल 2019 के विधानसभा चुनाव के अंतराल पर घटा है, यानी कि कुछ जगह ऐसी हैं, बाकी सभी जगहों पर वोटिंग परसेंटेज हाइक है। लेकिन देखिए इस बार का विधानसभा चुनाव जिस तरह से हुआ और पिछले 4 महीने के फ्लैशबैक को देखना बहुत ज़्यादा ज़रूरी होगा, क्योंकि जिस तरह से यहाँ पर अलग अलग नैरेटिव सेट हुए, अलग अलग मुद्दे बने और उसके बाद जिस तरह से वोटिंग हुई, तो कहीं ना कहीं महाराष्ट्र में इस बार साइलेंट वोटर्स बहुत ज़्यादा हैं। उन्होंने बताया नहीं कि किसे वोट करना है, उन्होंने जाकर सीधा वोट किया। हाँ, साइलेंट वोटर्स कह लें या समझदार वोटर्स कह लें, अपना मत उन्होंने बताया नहीं। बहुत शुक्रिया साकेत आपका, दिनेश आपका, पूरी जानकारी के लिए।